नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। खबर 24 लगातार आपके बीच हर खबरों को दिखाने का प्रयास करता है। आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन परिवार के लोग सोना चांदी खरीदते हैं और कुबेर देवता की पूजा होती है, धनवटी की पूजा होती है। हम शुरुआत करते हैं आज के ताज़ा तरीन समाचारों की, आपनों झालावाड़ आपनों मालवा की। तो बात करते हैं भवानी मंडी शहर से। भवानी मंडी विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज उपखंड कार्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उपखंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल के पीए को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के उपलक्ष में आज ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी और भवानी मंडी नगर पालिका मंडल द्वारा आतिशबाजी कर लोगों को मिठाई खिलाई, वहीं जीत का जश्न मनाया। विधायक, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, चेयरमैन कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कलराम सालेचा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं ने विधानसभा उपचुनाव की जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर उपस्थित पार्षद विनय अस्तोलिया, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली पाल, वहीं पार्षद ललित कुमार, वहीं वरुण मीणा, रामबेरवा, कांग्रेस नेता जोरावर सिंह, गोपाल जायसवाल, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सोबाग लोहर, पार्षद जाहिद अजमल आदि युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिखाते हैं आपको भवानी मंडी और बैसोदा मंडी में आतिशबाजों की दुकानों की आतिशबाजी की अवहेलना का एक नजारा। भवानी मंडी में उपखंड अधिकारी के निर्देश के बाद फटाका व्यापार जो मेला ग्राउंड में लग रहा है, ऐसे में बात नियम की करें तो चद्दर की दुकानें लगना तय मानी जाती है, लेकिन अगर घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? 20 से 30 दुकानें ने टेंट लगाकर दुकानें लगा दी, वहीं आतिशबाजी की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में हम व्यवस्था की बात करें तो मंदसौर जिले के बैसोदा नगर परिषद बैसोदा मंडी में 34 दुकानें अलर्ट की गई है, जिसमें 30 दुकानें वहां यातायात स्थिति में लग रही है। नए बस स्टैंड पर लगाई जा रही मौके पर जब हम पहुंचे तो वहां देखा गया कि कपड़ों के टेंट की अस्थायी दुकानें लगाई गई है। आतिशबाजी के नियम के अवरुद्ध जो है ये माना जा रहा है, लेकिन आतिशबाजी की दुकानें अधिकांश टेंट के कपड़े की बनाई जाती है। अगर फटाके अधिनियम 8 के अंतर्गत हम नियम की बात करें तो नियम के खिलाफ दुकानें लगी है, कई वर्षों से ये लगाई भी जा रही है। अगर कई जनहानि अगर हानि होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता है, ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन मौके पर बैसोदा मंडी यानी कि भानपुरा के तहसीलदार ने उसका मौका मायना कर लिया। CMO ने जानकारी जब हमने फ़ोन पर लेना चाही तो उन्होंने जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हम बात किससे करें, लेकिन दिवाली है, बुरा ना माने। भवानी मंडी सार्वजनिक विभाग निर्माण द्वारा कुंडी खेड़ा आंखेड़ी ग्राम पंचायत में पंचायत का रोड बन रहा है, वहीं दामीकरण की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर सार्वजनिक विभाग निर्माण अधिकारी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से भवानी मंडी वाया मांडवी हड़मतिया होते हुए हरिपुरा तक दामीकरण रोड का शुरू हो चुका है। इसको खराब होने के चलते दोबारा इसका टेंडर प्रक्रिया की और इसका काम निरंतर रूप से जारी है। अब बात करते हैं भवानी मंडी के समीप मिश्रोली कस्बे की। मिश्रोली दिवाली को लेकर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकालकर सभी लोगों को त्योहारों की शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। मंगलवार देर शाम थाना प्रभारी नंदकिशोर के नेतृत्व में हरिबल्लम नगर जाप्ता पुलिस बल के साथ पहुंचा और दिवाली के त्यौहार की सुरक्षा की व्यवस्था देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं दूसरी तरफ चौमेला की बात करें तो चौमेला में भी दिवाली के चलते दुल्हन की तरह सजे बाजार कोरोना काल का दिखाई दिया कहीं ना कहीं असर। दुकानदार जैसे मायूस बताए गए। आगामी त्यौहार धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, दिवाली आदि को लेकर बाजार की दुल्हन तरह सज रही है, लेकिन कोरोना काल से व्यापारियों पे इसकी मार पड़ रही है। झालावाड़ जिले के चौमेला गंगधार कस्बे में गंगधार पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा, थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा, पुलिस जाप्ता सहित फ्लैग मार्च निकाला गया। उपाधीक्षक ने बताया कि दिवाली के चलते कस्बे में दिवाली के चलते कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते हुए आज पैदल मार्च निकाला गया। त्योहारों पे जोर देखा जा रहा है और वहीं इसके चलते व्यवस्था बनाने को लेकर एक संदेश दिया। आज कस्बा गंगार और चौमेला में पैदल मार्च किया गया।
जिसमें खाने के जब्ते में सभी को ये कोरोना गाइडलाइन एवं भीड़ भाड़ इत्यादि के बारे में सावचेत किया गया, क्योंकि त्यौहार के सीजन पर चोरी इत्यादि की घटनाओं का आशंका रहती है। तो पब्लिक में भी ये संदेश जाएगी, पुलिस आपके साथ हमेशा से है। और आप बात करते हैं पिड़ावा क्षेत्र की। पिड़ावा नगर में आज धनतेरस के पर्व पर ग्राहकों की चहल पहल से बाजार में खासी रौनक देखने को नजर आई। वहीं ग्रामीण बाजार में पूजा मवेशियों को सजाने की सामग्री खरीद रहे थे। वहीं अच्छी खरीदे से व्यापारियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं ग्राहकों ने सोने चांदी की दुकानों पर जाकर लक्ष्मी पूजा के लिए चांदी के सिक्के, आभूषण आदि खरीदे। मंदसौर के खिलचीपुरा क्षेत्र में भगवान कुबेर एक ऐसा दुर्लभ मंदिर जो कि सालों में एक बार धनतेरस की को खुलता है। करीब 14 साल पुरानी ये कुबेर प्रतिमा गुप्त काल की बनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर उड़कर यहाँ आया था। गोस्वामी समाज के संत ने खिलचीपुरा अपनी साधना के तप पर बल पर उतार लिया था। धनतेरस पर साल भर एक बार खुलने में यहाँ काफी लोग श्रद्धालु आते हैं और कुबेर धनतेरस के दर्शन करते हैं। लाया गमाया मंदिर है, भगवान शिव के साथ भगवान कुबेर विराजमान है। एक हाथ में धन की पोटली लिए, दो में शस्त्र लिए, एक में प्याला लिए तथा नेविले में विराजमान है। भगवान कुबेर की धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करने से धन दान से परिपूर्ण होते हैं तथा धनतेरस के दिन भगवान कुबेर के दर्शन करने से व्यापार वैसा अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तथा भगवान कुबेर शिव के प्रिय मित्र हैं, जो भगवान कुबेर धन कुबेर कहे जाते हैं। पश्चिम मुखी भगवान कुबेर एक केदारेश्वर के बाद मंदसौर के खिलचीपुरा ग्राम में स्थित है। अब बात करें भवानी मंडी के समीप मध्य प्रदेश के भानपुरा नगर की। भानपुरा नगर स्थित शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में फटाकों की दुकानें लगाई गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ सभी प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखते हुए इसका शुभारंभ किया गया। वहीं कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार फटाकों की दुकान भानपुरा में हमेशा यहाँ लगाई जाती है। शामगढ़ में तीज त्योहारियों के देखते हुए स्थानीय प्रशासन नगर के प्रमुख मार्ग मेन रोड पर उससे जुड़े हुए आड़ा बाजार और सब्जी मंडी चौराहे पर ना तो नगर पंचायत के कर्मचारी तैनात है और ना ही पुलिसकर्मी तैनात है, जिसके कारण भारी लोडिंग वाहन प्रमुख मार्ग से गुजर रहा है। वहीं ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह यह खबर 24 न्यूज लगातार 5 वर्षों से आपके बीच अपनी सेवा दे रहा है और आप लगातार खबर 24 से जुड़े रहें और दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। चूड़ के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे। आलूर दे चरा है मामला अब साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे। हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे।